जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है तो मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज इस कबीरदास के महान दोहा के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। प्रेम गली अति सांकरी, इसके ऊपर ही हम बात करेंगे। प्रेम गली अति सांकरी मतलब प्रेम की जो गली है इतनी संकरी है, तामे दो न समाए, उसमें दो व्यक्ति नहीं जा सकता है। ठीक जिस तरह से आपके मन में प्रेम के दो विचार नहीं उठ सकते हैं, या तो प्रेम होगा या नहीं होगा, ये बीच बचाव वाला कुछ ऐसा नहीं होता है। आइए हम इस प्रेम गली की इस पंक्ति में कबीर दास जी के जो भाव व्यक्त हैं उसके बारे में हम जरा आ करके सुने। एक हो करके आना पड़ता है, इसमें दो आप नहीं हो सकते हैं। यह एक तो सूफियाना अंदाज था, सचमुच प्रेम करने वाले लोग एक दूसरे को अलग नहीं मानते, आपस में घुल मिलकर एक हो जाते हैं। यही भाव आज परिवार पे भी लागू होता है। परिवार पे जरा आप देखें बुजुर्गों की क्या स्थिति है। एक माँ अपने बच्चे को कितना प्यार से पालती है, एक पिता अपने बच्चे को कितना प्यार से, कितना प्यार करता है, कितना केयर करता है। काश कभी वह याद करता कि उसके माता पिता भी उसके लिए इतना ही प्यार किए हों, तो उसको शायद यह समझ में आ जाता कि माता पिता की भी सेवा कितनी जरूरी है। घर में बुजुर्गों का होना एक आशीर्वाद है। स्वयं में हर व्यक्ति श्रवण कुमार तो नहीं हो सकता है, लेकिन क्या हम बुजुर्गों को सुख न देने के बजाय दुख तो न दें? यदि सुख नहीं दे सकते हैं तो दुख देने का भी अधिकार किसी को नहीं है। आज हर परिवार में यह विषम परिस्थिति पैदा हो चुकी है। प्रेम गली अति साकरी, एक तरफ अपने बच्चों को इतना प्यार देते हैं और दूसरे तरफ अपने ही माता पिता को आप अलग थलग कर देते हैं। यह सेवा तो दूसरी बात है, आप उनकी सुनते भी नहीं हैं। आज के नए जनरेशन में तो और भी दिक्कत है, माता पिता या टीचर की बात तो बच्चे सुनना ही नहीं चाहते। आखिर यह कैसा प्रेम है, यह कैसी मातृत्व है, यह कैसी पितृत्व है कि हर बात को आप जाने अनजाने किसी न किसी को धोखा देते हैं। और किसको धोखा दे रहे हैं, खुद को ही तो धोखा दे रहे हैं। जरा इस चीज पे गौर करें। इस प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो नहीं समाई। दो नहीं का अर्थ है यहाँ पे कि भेद, भेद अर्थात तेरे और मेरे का भाव नहीं होता है। परिवार में खास तौर पर घर के बड़े बुजुर्गों को अपने से अलग कभी न माने। ऐसी गलती तो रावण करता था, ऐसी गलती तो दुर्योधन किया, और कौन कर सकता है? आम आदमी यदि करेगा तो उनके बच्चों में यह संस्कार खत्म हो जाएगा, और संस्कार से ही समाज का निर्माण होता है। शायद आज समाज में सारी विसंगतियां, आज की हर एक विसंगतियां जो आप देखते हैं, यह संस्कार विहीन समाज और लोगों के चलते हो रही है। प्रेम गली अति सांकरी, इसमें हमने आपको समझाया कि रावण यही काम किया जिसके चलते 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, जा घर दिया, जा घर रहा न दिया न बाती। उसे घर में दिया बाती जलाने वाला कोई नहीं बचा जिसके घर में इतने लोग थे। और आप यदि देखेंगे ध्यान से तो रावण को कितने लोगों ने नहीं समझाया, लेकिन राम पक्ष में किसी को समझाने की जरूरत नहीं थी, और रावण पक्ष में हर व्यक्ति रावण को समझाता था। और आप देखें कि रावण किसी की नहीं सुनता था। रावण के अंदर एक अहंकार पल रहा था, और उस अहंकार के चलते वह किसी का भी सम्मान तो दूर अपमान भी करने से नहीं चूकता था। लंका के युद्ध में जब राक्षसों की सेना मारी गई, रावण बहुत परेशान हुआ। रावण इतना परेशान हुआ कि उसके खुद के नाना, उसके नाना जी थे माल्यवंत, उन्होंने एक सीख दी। उसने, तुलसीदास जी ने लिखा भी है, बाबा तुलसी ने ये लिखा है कि जिस रावण को समझाते हुए उन्होंने लिखा है कि माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री वर, बोला बचन नीति अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। वो नीति शास्त्र का विद्वान था माल्यवंत, जो रावण का नाना था।
वह अति विद्वान था, नीति शास्त्र का विद्वान था। वह बूढ़ा माल्यवान जो कि रावण का एक श्रेष्ठ मंत्री भी था, अत्यंत नीति पूर्वक और प्रेम से रावण को बोला, हे तात, मेरी कुछ सीख सुन लो, यह जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण सीख है। तो घर के बड़े बूढ़े जब भी कोई बात बोले, मानकर चलिए उसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी सीख होगी। बस यही से तो साबित होती है कि हम उम्र में कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन यदि कोई हमसे उम्र में बड़ा है तो उसकी जरूर सुने। बस यही से साबित होती है कि आपके अंदर सीखने की क्षमता है। जब आप बड़ों की सुनते हैं, जब बड़ों की आदर करते हैं, अंदर अहंकार नहीं बल्कि एक प्रेम होता है। दुर्योधन के साथ भी यही हुआ। आप महाभारत की यात्रा को, महाभारत के युद्ध को यदि आप थोड़ा सा गौर पूर्वक देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक तरफ पांडव थे जो बड़े बुजुर्गों को खूब सेवा करते थे और उनका आशीर्वाद और उनके सलाह को मानते थे, जबकि वहीं पे दुर्योधन बिल्कुल युद्ध जीत सकता था, लेकिन उसके गलत फैसले अर्थात अपने बुजुर्गों की बात को न मानना उसके लिए महंगा पड़ा। इसलिए कहा जाता है कि बड़े बुजुर्गों का घर में होना उस घर की अपनी रौनक है, और जिस घर में बड़े बुजुर्गों की बात मानी जाती है उस घर की व्यक्ति विशेष की हर एक सफलता सुनिश्चित पाई जाती है। इसलिए घर में ही नहीं बाहर में भी सफलता के लिए अपने से बड़ों की बात जरूर सुने। मानना न मानना ये आपके तर्क के आधार पे हो सकता है, लेकिन सुना सम्मान की बात नहीं है बल्कि आपके ज्ञान की बात है। आप माँ बाप की बात जरूर सुनिए, यदि आप सुन लेते हैं तो इससे ही उनके आधे दुख दूर हो जाते हैं और प्रेम दिल में उमड़ जाता है। इसलिए बस यहीं पे इस प्रेम गली की बात होती हो रही है कि प्रेम गली अति सांकरी, जितना प्यार आप एक दाएं हाथ को करते हैं उतना ही प्यार आपको बाएं हाथ को करना होगा। दोनों में फर्क करेंगे तो एक ही गली में, क्योंकि हृदय तो एक ही है, एक ही गली में दो को अलग-अलग आप नहीं दौड़ा सकते हैं, नहीं पार कर सकते हैं। इस तरह से परिवार भी एक प्रेम की गली की तरह है, इसमें भेद रखकर न चलें। इसमें भेद रखकर चलेंगे तो दिक्कत होगा। जिस तरह से आप स्वयं के साथ व्यवहार करते हैं, अपने बच्चे के साथ करते हैं, उसी तरह से आपको अपने माता-पिता की भी करनी चाहिए, बुजुर्गों को भी करनी चाहिए। शायद यह निवेदन आप स्वीकार कर लें तो इस देश में और इस विश्व में कहीं भी बुजुर्ग और अनाथालय नहीं होगा। बुजुर्ग सिर्फ प्रेम के अलंकार ही नहीं है बल्कि वह अनुभव के बहुत ही बड़े ज्ञानी हैं। आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन उनके इतना अनुभव कहाँ से जुटाएंगे? इनके पास जो अनुभव की पूंजी है उससे अपने घर को सजाइए, अपने जीवन में कुछ सीख लीजिए, क्योंकि जीवन में हर गलती करके आप नहीं सीखेंगे बल्कि दूसरे के भी गलती से और दूसरे के मेहनत के द्वारा, दूसरे के संघर्ष से जो अनुभव उनको प्राप्त हुआ है उनसे भी सीखिए, और आपका आपके अपने माता-पिता से बढ़कर के शुभचिंतक इस दुनिया में कोई हो भी नहीं सकता है। अतः आइए हम बुजुर्गों की सेवा बाद में करें, पर उनकी विचार को जरूर सुने और हर एक संघर्ष की घड़ी में उनके पास जा करके उनसे प्रेम और सलाह लें, और जितना हम प्यार अपने बच्चों से करते हैं उतने ही प्यार हम अपने माता-पिता से करें, क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। इसलिए प्रेम का विभाजन नहीं कीजिए, प्रेम का विभाजन नहीं हो सकता है। तो आइए हम एक ही हृदय से एक ही तरह की प्रेम अपने परिवार में सभी के लिए यूं ही बरसाएं जैसे खुद के लिए बरसाते हैं।